हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। और कल मेरी वीडियो नहीं आ पाई, किसी वजह से नहीं आ पाई, और आज भी मुझे थोड़ी सी मतलब वीकनेस तो लग रही है। हो जाएगा धीरे धीरे सही। देखिए, कोई भी परेशानी है आती है एकदम और जाती है धीरे धीरे। मैं एक बात कहना चाहूँगी आप लोगों से, आप मेरे बहुत मतलब करीब हैं, हर बात का आप सही से जवाब देते हैं कि अगर आपको कोई लोग पसंद नहीं करते, ठीक है, तो उन लोगों से दूर हो जाना ज़्यादा अच्छा है। हो जाओ उन लोगों से, साइड कर लो। मेरा तो ये शुरू से फंडा रहा है कि जो लोग मुझसे मेरी नहीं बनती, मैं उनसे साइड हो जाती हूँ। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि आप चाहते तो हैं लेकिन आप कर नहीं पाते। लेकिन जब एक कोई भी चीज़ पीक पे आ जाती है तो फिर उसका कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। और हमारी ज़िंदगी कौन चाहता है? हमारा अपना परिवार, क्योंकि और लोगों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें क्या हो रहा है, हम कैसे हैं, हमें क्या हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर, है ना जी। तो बस इतना मैं आपसे कहना चाह रही थी। और मेरे क्वेश्चन बस एक ही है, थोड़ा सा जवाब देना कि अगर कोई लोग आपको बार 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 मेंटली टॉर्चर करते हैं तो उनके साथ क्या करना चाहिए? मेरा तो एक सलूशन है कि उन लोगों से दूर हो जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए उन लोगों को। आप बताना आपकी क्या राय है। तो चलो आते हैं फिर अपनी पुरानी बात पर। मैडम नहीं दिख रही, मैडम गायब हो गई। कहाँ चली गई मैडम? कौन मैडम? शीला बाई मैडम चली गई। देखिए, अगर कोई गलत करता है ना तो उसे सजा तो मिलती है, चाहे देर से मिले, देर से मिलती जरूर मिलती है, कोई ना कोई उसका सवा शेर तो आता ही है ना। तो भाग गई है, वीडियो भी नहीं आ रही, बिल्कुल भूमिगत हो गई है। कहाँ चली गई है? क्योंकि बाहर तो ये जा नहीं सकती, बाहर जाएंगी तो ये परमिशन लेगी पुलिस से, प्रशासन से बिना परमिशन लिए ये आउट ऑफ सिटी नहीं जा सकती। आउट ऑफ इंडिया की तो बात ही अलग है। और अभी बेल नहीं हुई है, जमानत नहीं हुई है। अगर ये जमानत हो जाती तो ये जरूर आती सीना चौड़ा करके और झूठ का पिटारा फिर खोलती आपके आगे। मैंने कहा था ना अपनी वीडियो में कि तेरी औकात ही ये है कि तू ना अपने घर में रह रही है, ना तेरी ब्यूटीफुल फैमिली सूरत वाली तुझे अपने घर में रख रही है, तुझे बाहर ही रहना पड़ेगा क्योंकि तेरी ये औकात है। और लोगों को कहाँ तक जवाब दे? सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि इसकी बिल्ली पीनट कहाँ है, पीनट कहाँ है? ये तो इधर उधर भागी भागी फिर रही है, लेकिन उस बेजुबान जानवर का क्या? आप लोग उसे पाल नहीं सकते तो उस सही से देख रेख नहीं कर सकते तो आप उसे पालते क्यों हैं, रखते क्यों हैं? तेरी हरकतों की वजह से तेरी वो बेजुबान जानवर और तेरी तेरा जो शौक और तेरा बहुत अच्छा बहुत बढ़िया तेरा जो छोटा बेटा है वो परेशान है आज तेरी वजह से। बेजुबान जानवर भी वो परेशान है, उसे कहाँ छोड़ा है, क्या करा है, कहीं छोड़ा है तो उसके खाने का इंतजाम है या नहीं है, क्या है उसका, बेचारी का क्या हाल हो रहा होगा, समझे? जब तुम्हारा ये हाल हो रहा है तो उसका क्या हो रहा होगा? वो तो कुछ कह भी नहीं सकती। वो आज तेरे सो कॉल्ड संस्कार, आज तेरा मुकाम कहाँ गया? आज तेरे संस्कार ही तेरे काम आ रहे हैं कि तू दर दर की भटक रही है, इधर से उधर भटक रही है, होटलों में टाइम पास कर रही है। 5 तारीख तक, तीन चार तारीख तक तो तू अभी नहीं जा सकती। एक केस तेरे पे और लग गया है परसों नया, समझे? तुझे अब चैन से नहीं बैठने देंगे। तू जो बोली थी ना, तूने सबको एक सा समझ लिया। तू किसी को बोली थी तो तू प्रूफ के साथ बोलती, और अब लेके आ प्रूफ, अगर कुछ है तेरे पास प्रूफ है। अब ये बता, तेरी सपोर्ट में इस टाइम कौन है? तेरी सपोर्ट में कोई नहीं है, क्योंकि गलत के साथ कोई नहीं होता, सच का साथ सब देते हैं और ईश्वर भी देता है, गलत का साथ नहीं देता, समझे? और इसके बाद अब
तीन चार तारीख के बाद ही कुछ होगा, दो तीन दिन में इसे अगर बेड मिल गई तो होगा। और उसके बाद भी ये अगर बाहर जाएगी, आउट ऑफ सिटी जाएगी, तो ये प्रशासन को कंफर्म करके जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। इस पर चार, मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि इस पर चार केस लगे हैं, है ना। और अभी इसका जब देखिए, अब इसका लॉयर कुछ कर रहा होगा, जब तक वो कुछ कर नहीं पाएगा बहुत मुश्किल है इसके आगे, बहुत बड़ी मुश्किल आगे खड़ी हो गई है शीला भाई। नया केस एक और लग गया है तेरे ऊपर। और देखिए केस भी कैसे लगे, बढ़िया लगे, तू किसी की, तू किसी के परिवार को, तूने दुनिया के परिवार आज तक उजाड़े हैं, उजाड़ के तूने अपने घर बसाए हैं। एक तो सनय के परिवार में भी वो डालने चली थी कि आशीष कौन है, आशीष अगर कोई है तो उसे लेके आती ना सामने, लेके क्यों नहीं आई। मैं बोल रही हूँ ना तो मेरा दिमाग ऐसा ऐसा हो रहा है, अभी मुझे वीकनेस लग रही है। अब आती है बात रेहाना बॉस की, तो पता चल गया ना कैसी है वो, बॉस है, बॉस थी, बॉस ही रहेंगी। तूने देखा महाराष्ट्र में वो किससे मिलने गई थी, ठाकरे साहब के परिवार से मिलने गई थी और ठाकरे साहब के यहाँ गई थी, समझे, बाबा साहब के यहाँ। कितना पावर, किसी सामने वाले को कमज़ोर मत समझना, कभी भी कोई सामने वाले को कमज़ोर ना समझे। पता नहीं वो अगर वो बोल नहीं रहा तो वो ऐसा बदला लेगा, और लेता है, अरे लोग समझ नहीं पाते, लेता है, उनकी औलादें परेशान होती हैं, वो खुद भी परेशान होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, सब कुछ होता है, उनकी मैरिज लाइफ सक्सेसफुल नहीं होती, जो परेशान करते हैं उनके बच्चों की मैरिज लाइफ सक्सेसफुल नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं हैं कि हम किसी के साथ, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं, अगर वो बोल नहीं रहा तो उसके दिल की सहाय तो निकलेगी। आप खुश हैं अगर आपके बच्चे आज के टाइम में खुश हैं, उनकी मैरिज लाइफ सक्सेसफुल चल रही है और आप एक अच्छे हैं, आपके शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उससे बड़ा इस दुनिया में आजकल कोई नहीं। तो खुश हो सामने वाले को देख के, मिल बांट के खाओ कि तुम भी खाओ हम भी खाएं, है ना। और देख लिया रेहाना बॉस का जलवा, जलवा जलवा उसका तो जलवा ही जलवा है, समझे। और देखो तेरे बच्चे बोले, किसी के बच्चे बीच में नहीं बोले, केवल तेरा बोला। अरे हमसे लड़ाई है किसी की, हमसे हम लड़ेंगे ना, हमारे बच्चे बीच में जब बोलेंगे, जब लगेगा उन्हें कि हमारे पेरेंट्स की शरीर पे, अपनी जान पे, या ऐसा लगेगा उन्हें कि जब भाई इससे आगे नहीं, अब हम चुप रह सकते, वो जब बोलेंगे, किसी को रोस्टिंग नहीं करेंगे, जैसा तेरे बच्चा रोस्टिंग कर रहा था। तो कह रही थी ना वो बदला ले रहा है, बदला ले रहा है वो, अब तो बाहर की हवा खा, रोस्टिंग कर रहा था ना, अब बाहर की हवा खा, अब बाहर घूम, और क्या कहते हैं, देख तेरे बड़े लड़के को किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो तेरे पचड़े में नहीं पड़ता, वो जानता था या जानता है, वो इतना नहीं बोलता, किसी ने कुछ उसे इन्वॉल्व नहीं किया, समझे। क्यों नहीं किया, क्योंकि वो नहीं बोलता। बात रही साथ की, तो साथ तो रहेंगे तो माँ बेटे, है ना, वो तेरे बछड़े में नहीं पड़ा, समझे। और देख एक बात आई, अब आता है बात की केस में कहीं भी 15 लाख का जिक्र नहीं है, किसी भी केस में 15 लाख का जिक्र नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए, क्योंकि जिसने भी केस किया है वो अभी बुड्ढे को साइड रखना चाहते हैं, वो केवल तुम दोनों को के ऊपर ही केस किया है। 15 लाख रेहाना बॉस से बुड्ढा लेके गया है, अगर 15 लाख का जिक्र केस में आता तो बुड्ढा भी इन्वॉल्व होता, बुड्ढे को इन्वॉल्व जब करेंगे, जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी और लगेगा, बुड्ढा भी गायब है इस टाइम, क्योंकि बुड्ढे को पता है कि अगर मैं पढ़ा इन लोगों के बीच में तो मैं फंसूँगा, 100% फंसूँगा, ठीक है। 3-4 दिन हो गए बारिश को रुक नहीं रही, बस समझे आप। तो 15 लाख का जिक्र क्यों नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ। एक तो मैंने बता दिया कि अभी बुड्ढे को बीच में नहीं डालना चाहती, दूसरी बात 15 लाख
बाई हैंड दिए हैं, बैंक से ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है इसका, बाई हैंड दिए हैं और बाई हैंड इतनी बड़ी रकम अगर होता है तो सवाल उठ जाएगा। और बैंक से इतनी बड़ी रकम किसी भी वजह के बिना नहीं डाली जा सकती और ना निकाली जा सकती, क्योंकि डाली इसलिए नहीं जा सकती कि दिखाना पड़ता है कि ये पैसा कहाँ से आया है। जमीन बेची है, मकान बेचा है, आराम से 25-30 लाख वो बैंक से ही ट्रांसफ़र होगा। बैंक से अगर ट्रांसफ़र होता तो बात अलग थी, ये बाई हैंड दिए गए हैं। और बाई हैंड दिए गए हैं इसलिए इसका जिक्र नहीं है, इस पर सवाल आ जाएगा और बुढ़ा फंसेगा। इसमें बुढ़े को अभी अलग रखना चाहते हैं, बुढ़े को अगर फंसाया जाएगा तो वो अलग से। अब देख तू, ये देख कि पब्लिक तुझसे कितना नफरत करती है, और जो तेरे सो कॉल व्यूअर्स है ना, ये सारे नकली हैं। इनके इनकी आईडी से ना कोई रील आती है, इनके आईडी से ना कोई चैट होता है, इनकी आईडी से ना कोई किसी से बात होती है। भाई अगर ठीक है कोई सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहता तो वो कहीं ना कहीं बात तो करेगा, किसी अपने रिश्तेदार में, अपनों से, किसी से भी बात तो करेगा वो, इसलिए नहीं हो रहा, समझ गई जी। हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ कि ये जितनी आईडियों से इसके अच्छे कमेंट आ रहे हैं सारी फर्जी आईडी हैं। मुझे आता है एम करके, एम लिखा हुआ होता है बस, उससे आता है। या एक और है कोई नाम, मैं भी डाल दूँगी, मुझे डालना नहीं आता इस पर, सबसे बड़ी बात यह है। मैं कमेंट डाल आ जाएगा तो मैं डाल के दिखाऊंगी। मुझे एक दो कमेंट आते हैं, एक दो आईडी से ही कमेंट आते हैं, और वो एक दो आईडी से ही कई कई कमेंट करते हैं, ठीक है। तो मेरा मतलब केवल इतना है कि देखिए, आप किसी को परेशान करोगे ना तो एक हद तक सामने वाला परेशान होगा, और जब वो लगेगा उसे कि बात पीक पे आ गई है, बात सिर से ऊपर आ गई है, तो वो कोई ना कोई स्टेप तो उठाएगा, कोई ना कोई तो उठाएगा। क्योंकि जो गलत लोग होते हैं ना, वो होते हैं बेशरम, बेहया, उन पर किसी बात का असर नहीं पड़ता। वो अपनी अपनी बोलते हैं, बस अपनी अपनी कहते हैं, दूसरे की नहीं सुनते। वो लोग चिकना घड़ा होते हैं, बदतमीज़ लोग होते हैं। उनसे आप, एक पढ़ा लिखा इंसान, एक सेंसर इंसान उनसे पार नहीं पा सकता, उनसे नहीं लड़ सकता। वो एक ही बात कर सकता है, जब बहुत ज़्यादा बात हो जाती है, दिल और दिमाग पर बात आ जाती है, वो एक साइड हो जाता है, समझे। और फिर ऐसा होता है कि लोग जो होते हैं उनकी सपोर्ट में या उनके साथ होते हैं सच्चाई के साथ, वो भी समझ जाते हैं कि हाँ, ये अब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा सामने वाले की बदतमीजियाँ, सामने वाले की गुस्ताखियाँ, सामने वाले की जो हद से पार कर रहे हैं वो लोग, वो पाते हैं। एक झुंड होता है ना, जब झुंड, ऐसा नहीं है लोग कहते हैं ना कि झुंड बना के मेरे पीछे पड़ गए, जी नहीं, कोई सामने से करता है वार, कोई पीछे से करता है वार, झुंड सबका होता है, समझे। और मैं तो एक बात कहती हूँ, सबसे बड़ी बात ये कहती हूँ कि देखिए, सबसे बड़ा कौन है, ऊपर भगवान, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। अगर आपका साथ कोई नहीं दे रहा, वो ज़रूर देगा, और एक टाइम पे आके ऐसा देगा कि सामने वाले की सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन फिर भी लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, उसे लोग गलत ठहराते हैं कि नहीं ये गलत है, और वही चीज़ करते हैं जो वो चाहते हैं। चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन नहीं, कभी ना कभी तो सामने आएगा। कहूँगी कि अगर ऐसे लोग हैं तो उन्हें छोड़ देना चाहिए, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो कि ठीक है, जो चाहे तुम करो, हम नहीं रह सकते तुम्हारे साथ, हम ऐसा नहीं कर सकते, बस ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, पसंद आए, थोड़ी सी मेरी तबीयत ऐसी है, तो वीडियो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट, और अच्छा या बुरा पसंद आए तो शेयर भी कर देना, ठीक है। मेरी आँख ये फड़क रही है, मेरी आँख जब जब ये फड़कती है तो बहुत गलत होता है, ठीक है। ओके, बाय।